खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां शहर में लोगों की जेब से पर्स उड़ाने वाले चार अंतर्राज्यीय पॉकेटमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते दिवस शहर के आदर्श नगर तल्ली बमौरी निवासी मुकेश कुमार सक्सेना की जेब पर पॉकेटमार ने कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के पास हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस ने तुरंत जांच करते हुए एफटीआई बाईपास के पास से चार चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इन चोरों के पास से पुलिस को चोरी किए गए पर्स में रखी 8,000 की रकम सहित आधार कार्ड पैन कार्ड बरामद हुआ। पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि अक्सर लोग जेब काटे जाने की शिकायत पुलिस में नहीं करते, इसी वजह से इन लोगों का काम आसान हो जाता है। आपको बता दें कि इनमें से तीन आरोपी अरशद शकील और अरशद मेरठ के रहने वाले हैं, जबकि आरोपी फैजल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और काफी सारे खुलासे होंगे जिनको ने पकड़ा है। ये एक इंटरस्टेट हमारा पॉकेटमारी का गैंग है। इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है, इसमें दो लोग आगे से कवर करते हैं, जो टारगेट है उसको एक पीछे से रहता है, और जो एक व्यक्ति है वो इनकी पॉकेट में सेंध लगाता है। इसमें चारों आरोपी जो हैं उसमें से दो लोग मवाना के रहने वाले हैं, एक मेरठ का है, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे पहले भी ये मुजफ्फरनगर मेरठ ऐसी जगहों पर पहले भी कई सारी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास ICJS पोर्टल, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल है, उसके माध्यम से भी चेक कराया जा रहा है, अन्य माध्यमों से भी चेक करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो अक्यूज हैं, इन लोगों ने लगभग 10:30 के आसपास हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है जो मुरादाबाद से हल्द्वानी के लिए आए थे, कालू साई मंदिर के पास उनकी पॉकेट मार ली थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने, जो हमारी पुलिस टीम है, इसमें दिनेश जोशी हैं और मंगल पड़ाव चौकी की टीम है, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस केस को वर्कआउट किया है।